गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में भाजपा विधि प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र द्वारा शुक्रवार को पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार पांडे के नेतृत्व में सिविल कोर्ट गोरखपुर एवं द कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन में पत्रक वितरित कर अधिवक्ताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनाव में सहयोग और समर्थन मांग कर जनसंपर्क किया, जिसके संबंध में पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार ने अधिवक्ता हित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ऐसे में बुद्धिजीवी वर्ग को विधान परिषद चुनाव में राष्ट्र और समाज हित में सरकार और संगठन का साथ देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जो 3 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और 4थी बार अपार जनसमर्थन से विजयी होने जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि मेरी पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विजय पथ पर पूरे देश में आगे बढ़ रही है, उसी तरह निर्वाचन क्षेत्र से कीर्तिमान स्थापित करते हुए देवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव में विजयी बनेंगे। इस अवसर पर अधिवक्ता विष्णुकांत शुक्ल, पूर्व मंत्री अजय शुक्ल, शशि श्रीवास्तव, रामेश्वर सिंह, परमानंद सिंह, सचिन द्विवेदी, अनादि मिश्र, प्रवीण शुक्ला, शैलेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष विनोद सिंह, रवि प्रकाश शुक्ला, अजीता मिश्रा, दीप्ति मिश्रा, अजय गुप्ता, बजरंगी एडवोकेट रमाशंकर, राम त्रिपाठी, ब्रह्मदेव सिंह सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद पांडे एवं सिविल कोर्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र शाही ने कहा। ये पानी नहीं आया है, आप सब कीजिए और एक फोटो खींचेगा का मत देकर विनय तिवारी को पड़ा इधर चला दो, ये पानी खाते हैं पानी मिला क्या भाई रोटी देता है इसीलिए रोटी कर भैया भैया पड़ा। ये देवेंद्र प्रताप सिंह जी के लिए 20 तारीख के मतदान के 20 तारीख को आप सबका मतदान हो जाए भैया। नमस्कार, ये सुनिश्चित हो हमारे सभी अधिकार भाई साहब ने है जो है सुंदर किया जो समझी विनोद पांडे पूर्व सदस्य विधान परिषद। ये जनसंपर्क श्री देवेंद्र सिंह जी के लिए हो रहा है और 30 तारीख को गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का ये वोटिंग होगी और सभी अधिवक्ता मित्रों से हम लोग संपर्क करके उनके लिए प्रथम वरीयता का मत दें इसका आग्रह कर रहे हैं। और चूंकि देवेंद्र सिंह जी लगातार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं लंबे समय से और सदन के भीतर सदन के बाहर जो उनका संघर्ष है वह सब लोग जानते हैं और इसी नाते मैं सभी मित्रों से कह रहा हूं कि अपना प्रथम वरीयता का मत श्री देवेंद्र सिंह जी को अवश्य देने की कृपा करें। मुझे वीरेंद्र शाही कहते हैं, मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं और इस बार का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जो 3 बार विधान परिषद के सदस्य रहे और 4थी बार अपार जन समर्थन से विजयी होने जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग अध्यापक अपने अधिवक्ता मित्रों से मिलकर के उनके लिए आगामी 30 तारीख के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं और हमारी पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे विजय पथ पर पूरे देश में आगे बढ़ रही है,
वैसे एक बार इस निर्वाचन क्षेत्र से एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को इस बार विजयी बनाएगी।